कैसा रहा सर पेपर? टोटल बढ़िया था, बढ़िया। कितने अटेम्प्ट हो पाए सर? टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए कुल कुल टोटल मिला के मेरे 10% छोड़ छोड़ दिया मैंने। यानी 55? हाँ, आउट ऑफ 65। मेरा एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर था। इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, पेपर कैसा है? पेपर इंग्लिश से काफ़ी ईजी था। इजी इंग्लिश से काफ़ी ईजी था, बट वो क्योंकि इंग्लिश स्ट्रीम से थे तो थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा हम लोगों के लिए ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, बट इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी था। बहुत ही मैथ्स में क्या पूछेगा जो आपको डिफिकल्ट लगा? नहीं, मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन उसमें भी थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, बट वही था जैसे मतलब स्क्वायर का कुछ क्वेश्चन आया था, फिर ट्रायंगल मतलब एक ज्योमेट्री। हाँ, ज्योमेट्री था, मतलब ट्रायंगल कितने थे, एक स्क्वायर दिया हुआ था उसके अंदर मतलब ट्रायंगल कितने थे वो बताना था। और भी क्वेश्चन थे कि मतलब एक क्वेश्चन था कि एक स्किल्ड लेबर है अनस्किल्ड लेबर है, दोनों का बेस दिया हुआ था, और उसके बाद उसमें बताना था कि कुल कितने बेज हुए या क्या हुए। तो इस तरह से व्हाट वाज द डिफिकल्टी? सर, डिफ़िकल्टी तो ऐसा ऐसे बस हम कहें कि जो मेन पेपर डिफ़िकल्टीज नहीं था, ठीक है, जो पेपर मैथ्स था उसमें थोड़ा कह सकते हो डिफ़िकल्टीज था, बट जो मैथ्स वालों के लिए सही था, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से उसके लिए कोई डिफ़िकल्टीज नहीं हो मुझे लगता है वो वाले पेपर, बाकी साइंस का पेपर कैसा था मुझे नहीं मालूम। लास्ट क्वेश्चन, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ आए थे आप, वो आप डिलीवर कर पाया नहीं? हाँ, डिलीवर तो कर पाए। हाँ, क्योंकि यहाँ व्यवस्था भी सही था। हाँ। और यहाँ के जो कर्मचारी थे वही बढ़िया थे। ओके, गुड लक। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। इसका अच्छा रहा एग्जाम। कितने टोटल अटेम्प्ट रहे? 49 क्वेश्चंस था मेरा अटेम्प्ट। हाउ वाज द पेपर? हाँ, पेपर कैसा? वेरी गुड। आपका बीटेक कहाँ से हुआ है? नहीं, हम लोगों का बीटेक नहीं, हम लोगों का ह्यूमैनिटीज पेपर था। अच्छा, ह्यूमैनिटीज का कौन सा पेपर था? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था और मॉडरेट लेवल था। कहीं से तैयारी की थी आपने? नहीं, बस ऑनलाइन और बस सिलेबस फॉलो किए थे। ऑनलाइन मतलब पीजी का? कोई स्पेसिफिक कोई इंस्टीट्यूट या कोई? नहीं, किसी तरह का भी नहीं, बस पीजी का सिलेबस फॉलो किए थे। और कुछ कोई क्वेश्चन में कुछ चेंजेस दिखे प्रीवियस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग? नहीं, फॉलो ट्रेंड दोनों ही हुआ है। लास्ट 2 टाइम तो एग्ज़ाम ही हुआ है, उसके बाद ये तीसरा टाइम था गेट का एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स में, वो भी दोनों का ट्रेंड फॉलो करते हुए ये भी बनाया गया था, अलग से कुछ नहीं था। क्वेश्चन देखते हुए आराम से कितना अटेम्प्ट किया जा सकता है? ऐसे टाइम तो बहुत मिला, मगर वही थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह का थोड़ा सा था। जो सिलेबस ग्रेजुएशन का था सिमिलर पैटर्न पे था या कुछ चेंजेस थे? नहीं, सेम, एकदम सेम, कोई भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा कि जो हम लोगों ने देखा नहीं हो या कभी बनाया नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं। अच्छा, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे इकोनॉमिक्स के लिए, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? बस अपना पीजी का सिलेबस फॉलो कीजिए और ग्रेजुएशन का, और कुछ नहीं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना क्वेश्चंस के लिए, मतलब कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह या फिर कुछ? यही आप चाहे तो NTA का जो UGC नेट का जो क्वेश्चंस होता है उसको सेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वो सेट मार सकते हैं उसको। गेट का सिलेबस नेट का सिमिलर? बिल्कुल सेम है, सारा चीज़ सेम है, इकोनोमेट्रिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हर चीज़ सेम है, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, सब सेम है। 2 दिन और पेपर होने वाला है, उन कैंडिडेट्स के लिए क्या बोलेंगे? नहीं, ये लास्ट ही था आज का। नहीं, 11-12 और है। नहीं, इकोनॉमिक्स का लास्ट था। अच्छा, गेट के स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलेंगे? बस सब जगह से तो ऐसा ही है कि पीजी का सिलेबस फॉलो करना है, और कुछ नहीं। गुड लक, थैंक यू।